गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी घर पे ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी चैप्टर्स हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, वो आपको करवाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के, टीचर्स के मैसेज आए हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप रेगुलर रखें, कंटिन्यूटी बनाकर रखें। हम चाहते हैं कि जितने भी जो टॉपिक्स हैं हम आपके माध्यम से इनको क्लियर कर सकें। आप बहुत अच्छा समझाते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द सूथ एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट लेटरल मेरिस्टेम, ऑक्जिलरी बड, कॉर्क कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम। जब लीफ की फॉर्मेशन होती है, स्टेम की इलोंगेशन होती है, तो कुछ सेल्स रह जाती हैं सूथ एपिकल मेरिस्टेम के अंदर, तो उनको क्या कहेंगे हम, कौन से पार्ट में आएंगे? तो वो आएंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे ऑक्जिलरी बड। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको नजर आ रहा होगा, फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स इज, आपको फंक्शंस बताने, कार्य बताने हैं कि कंपेनियन सेल्स के क्या क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सीव एलिमेंट्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा दिया गया है प्रोवाइडिंग वाटर टू फ्लोएम। तीसरा दिया गया है लोडिंग ऑफ सुक्रोज इन टू सीव एलिमेंट्स बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है बच्चों, लोडिंग ऑफ सुक्रोज इन टू सीव एलिमेंट्स। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि जो कंपेनियन सेल का जो फंक्शन है वो क्या है, टू लोड शुगर एंड अमाइनो एसिड इन टू सीव एलिमेंट्स। क्या करता है ये? शुगर और अमाइनो एसिड को सीव एलिमेंट्स में स्टोर करने का काम करता है, लोड करने का काम करता है। दीज सेल्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स टू टेक अप बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसलिए आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है भाई, डी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। द फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज लोडिंग ऑफ सुक्रोज इन टू सीव एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। क्या है क्वेश्चन? द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? फिलोडम, फिलोजम, फिलोजन, पेरिडम या फिलम। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? फिलम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। फिलम, फिलोजन और फिलोडम आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेरीडम। क्या बोलते हैं हम उसको? पेरीडम बोलते हैं। तो ध्यान से इसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्टोमेटा। आपको बताना है इनमें से किसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता। हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स या सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा कि इनमें स्टोमेटा नहीं होता है। सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स डू नॉट हैव स्टोमेटा, ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। स्टोमेटा का काम क्या होता है? ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन एक्वेटिक प्लांट्स अगेंस्ट वाटर लॉगिंग ऑफ इंटरनल सेल्स एंड टिश्यूज। सो दैट्स वाई दे हैव नो स्टोमेटा प्रेजेंट इन देयर टिश्यूज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर। चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेसल्स, फाइबर, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज या ट्रैकेट्स। तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या है? ट्रैकेट्स। तो मैं आपको बता दूँ, जो चीफ वाटर कंडक्टिंग जो एलिमेंट्स है जाइलम का जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, उसका नाम है ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स आर चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन ए जिम्नोस्पर्म। दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड हैंस डेड। द वॉल कंस्टिट्यूटिंग द ट्रैकेट्स इज हार्ड, थिक एंड लिग्निफाइड। दीज आर इलोंगेटेड सेल्स विद टैपरिंग एंड्स। सो दैट्स वाई द डी ऑप्शन इज योर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच इज करेक्ट अबाउट ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन ऑफ सब्सटांसेज। आपको बताना है कि विच इज करेक्ट अबाउट द ट्रांसपोर्ट और द कंडक्शन ऑफ सब्सटांसेज। पहला ऑप्शन है ऑर्गेनिक फूड मूव्स अप थ्रू फ्लोएम।
ऑर्गेनिक फूड मूव अप थ्रू फ्लोएम, दूसरा भी सेम टू सेम ही दिया गया है, तीसरा है इनऑर्गेनिक फूड मूव्स अपवर्डली एंड डाउनवर्डली थ्रू जाइलम, और डी ऑप्शन है ऑर्गेनिक फूड मूव्स अपवर्डली एंड डाउनवर्डली थ्रू फ्लोएम। तो आप सभी बच्चों को ये मालूम है कि जो ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन का काम है सब्सटेंसेस का, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या रहेगी, तो इसका सही जवाब क्या है, डी है, द ऑर्गेनिक फूड मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड थ्रू द फ्लोएम टिश्यू, क्योंकि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, आपको अच्छे से नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए नैरो लेयर और थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड बिटवीन फ्लोएम बार एंड वुड ऑफ ए डाइकॉट एग। ए नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड बिटवीन फ्लोएम बार एंड वुड ऑफ ए डाइकॉट इज कॉर्कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम इज प्रोड्यूस्ड बाय द टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इसलिए आपका जो सही जवाब है वो क्या रहेगा, वेस्कुलर कैम्बियम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। आपको ये चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। पहला है वेसल्स आर मल्टी सेलुलर विद नैरो ल्यूमन, दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है ट्रैकेट्स आर मल्टी सेलुलर विद नैरो ल्यूमन, तीसरा दिया गया है वेसल्स आर यूनिसेलुलर विद वाइड ल्यूमन, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है ट्रैकेट्स आर यूनिसेलुलर विद वाइड ल्यूमन। तो इनमें से जो करेक्ट है वो है डी ऑप्शन आपका, ट्रैकेट्स आर यूनिसेलुलर। ट्रैकेट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होता है, लेकिन इनका जो ल्यूमन होता है, जो मतलब बीच में जो गैप होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वाइड होता है। तो हम कहें कि जो वेसल्स आर इलोंगेटेड मल्टी सेलुलर वाटर कंडक्टिंग चैनल्स विद वाइड ल्यूमन फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ए वेसल एलिमेंट्स। ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड डेड सेल्स विद ए टैपरिंग एंड्स हैविंग लिग्निफाइड वॉल्स विद लार्ज और वाइड ल्यूमन। देयर मेन फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपकी स्क्रीन पर है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे यहाँ पर। द क्विसेंट सेंटर इन रूट मेरिस्टेम सर्व्स एज ए, क्विसेंट सेंटर इन रूट मेरिस्टेम सर्व्स एज ए साइट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड विच इज यूटिलाइज ड्यूरिंग मैचुरेशन, रिजर्वायर ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स, रिजर्व फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ डैमेज सेल्स ऑफ द मेरिस्टेम, या फिर रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, द क्विसेंट सेंटर इन रूट मेरिस्टेम सर्व्स एज ए रिजर्व फॉर द रिप्लेनिशमेंट ऑफ ए डैमेज सेल्स ऑफ द मेरिस्टेम। ये जो कॉन्सेप्ट है क्विसेंट सेंटर, ये दिया था क्लोव्स ने इन 1961 में। कब दिया था, इन 1961 में उन्होंने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो रेडियोग्राफिक स्टडीज ऑफ डीएनए सिंथेसिस इन द रूट टिप ऑफ जिया ही फाउंड ए रिजर्वायर ऑफ सेल्स हैविंग लो डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन कंसेंट्रेशन, दे मे और मे नॉट डिवाइड, इट इज रेसिस्टेंट टू डैमेजेस। तो इसलिए जो आपका जो सही जवाब है वो क्या है यहाँ पर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, रूट हेयर अराइजेज फ्रॉम, रूट हेयर कहाँ से अराइज होती हैं, पेरिसाइकल में से, एंडोडर्मिस, एपिब्लेमा या फिर कॉर्टेक्स। तो सही जवाब क्या है इसका भाई, एपिब्लेमा। याद रखना हमेशा, रूट हेयर अराइजेज फ्रॉम एपिब्लेमा। क्वेश्चन नंबर 11, ये सही जवाब दे पाएंगे आप सभी, फिलोजन एंड फिलम रिस्पेक्टिवली डिनोट, फिलोजन एंड फिलम रिस्पेक्टिवली डिनोट कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, या कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो 11th का जो सही जवाब है वो क्या है, बी ऑप्शन। फिलोजन को हम क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, और वहीं फिल्म को क्या कहते हैं बच्चों, हम कॉर्क। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉमन बॉटल कॉर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ डर्मेटोजन, फिलोजन, जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम। अब जब कॉर्क की बात आ जाती तो आपको क्या नजर आएगा, फिलोजन। अभी थोड़ी देर पहले इससे पिछले क्वेश्चन में किया था ना हमने, द कॉमन बॉटल कॉर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ फिलोजन।
फिलोजन क्यों कहा मैंने, द कॉमन बोटल कॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फिलोजन। फिलोजन प्रोड्यूसेस कॉर्क और फिल्म ऑन द आउटर साइड। इट कंसिस्ट ऑफ डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज रेक्टेंगुलर सेल्स दैट पोसेसेस सबराइज सेल्स वॉल। द कॉर्क सेल्स कंटेन टैनिन्स, लिग्निन टैनिन्स होते हैं ना, इनमें टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, हैंस दे अपियर ब्राउन और डार्क ब्राउन इन कलर। द कॉर्क सेल्स ऑफ सम प्लांट्स आर फिल्ड विद एयर। प्यूरिकस श्यूबर, कॉर्क बताया गया है ओक का, ओक ट्री का, या हम उसको बोटल कॉर्क भी कहते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। ए वैस्कुलर बंडल इन विच द प्रोटोजाइलम इज पॉइंटेड टू द पेरीफेरी इज कॉल्ड एंडार्च, एक्सार्च, रेडियल या फिर क्लोज्ड। ए वैस्कुलर बंडल इन विच द प्रोटोजाइलम इज पॉइंटिंग टू द पेरीफेरी इज कॉल्ड एंडार्क, एक्सार्क, रेडियल या फिर क्लोज। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, एक्सार्क। ये वैस्कुलर बंडल इन विच द प्रोटोजाइलम इज पॉइंटिंग टू द पेरीफेरी, तो उसको हम एक्सार्क कहते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्टोमेटा। अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो इसका सही जवाब आप दे सकते हैं। उसका सही जवाब क्या है भाई 14 का, डी, सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट्स। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोलेनकाइमा डिफर्स फ्रॉम पेरेनकाइमा इन हैविंग। कोलेनकाइमा पेरेनकाइमा से डिफर करते हैं क्योंकि उनके अंदर होता है लिविंग प्रोटोप्लाज्म, सेलुलोज वॉल, वैक्यूल्स या पैक्टिन डिपोजिट्स एट कॉर्नर। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, पैक्टिन। क्योंकि कोलेनकाइमा पेरेनकाइमा से डिफर इसलिए करते हैं क्योंकि इनके कॉर्नर्स में क्या होते हैं, पैक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं जो टफनेस प्रोवाइड कराते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलो मैं थोड़ा सा इसे 15 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर एक्सप्लेन करना पड़े तो कोलेनकाइमा सेल वॉल है, उसमें लोकलाइज क्या होती है, थिकनिंग होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45% क्या होता है, पैक्टिन प्रेजेंट होता है, 35% हेमी सेलुलोज और 20% सेलुलोज होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर पैक्टिन की चीज़ें मिलती हैं, तो इसलिए वो डिफर करता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज मल्टीपल एपिडर्मिस। आपको बताना है कि कौन सा प्लांट मल्टीपल एपिडर्मिस शो कर रहा है, क्रोटन, एलियम, नेरियम या कुकुरबिटा। मल्टीपल एपिडर्मिस, तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, नेरियम। नेरियम इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि एपिडर्मिस एब्सेंट होता है कहाँ पर, रूट टिप और शूट टिप पर, सूथ बर्ड और फ्लोरल बर्ड पर, ऑव्यूल एंड सीड में या पेटियोल एंड पेडिसेल के अंदर। तो एपिडर्मिस जो एब्सेंट होता है वो होता है बेटा रूट टिप और शूट टिप में, एपिडर्मिस नहीं होता वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज प्रेजेंट नियरेस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। कौन सी लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नज़दीक होती है प्लांट सेल में, सेकेंडरी वॉल, मिडल लेमिला, प्राइमरी वॉल या फिर टोनोप्लास्ट। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, सेकेंडरी वॉल होती है। सेकेंडरी वॉल सिचुएटेड नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी मेम्ब्रेन, मतलब प्राइमरी वॉल की फॉर्मेशन से पहले, सॉरी के बाद क्या बनती है बेटा, सेकेंडरी वॉल बनती है, तो सेकेंडरी वॉल नज़दीक मिलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको बताना है कि ये पांच स्टेटमेंट आपके सामने दी गई हैं कि इनमें से कौन कौन सी गलत हैं, और नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर पहला आपको पॉइंट दिया गया है, एपिडर्मल सेल हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ए लार्ज वैक्यूल। एपिडर्मल सेल में साइटोप्लाज्म बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है और लार्ज वैक्यूल क्या है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा है, दूसरा अगर हम बात करें, वैक्सी क्यूटिकल लेयर इज एब्सेंट इन रूट्स। तीसरा है, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर वाइल स्टेम हेयर ट्राइकॉम्स आर मल्टीसेलुलर। चौथा दिया गया है, ट्राइकॉम्स में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, सॉफ्ट और स्टिफ एंड प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। पांचवा आपको दिया गया है, गार्ड सेल्स आर डंबल शेप्ड इन डाइकॉट एंड बीन शेप्ड
इन मोनोकॉट। तो लास्ट वाला तो आपको तो डायरेक्ट ही पता चल गया कि फिफ्थ वाला तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वन ओनली, टू ओनली, सॉरी वन ओनली, फोर ओनली, थ्री ओनली या फाइव ओनली। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा यहाँ पर, डी, क्योंकि पांचवा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर गलत है दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑप्शन इज ट्रू अबाउट हर्टवुड ड्यूरामेन। आपको बताना है हर्टवुड मतलब ड्यूरामेन के बारे में कौन सी बात सही है। पहला है इट डज नॉट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, दूसरा है इट इज डार्क कलर्ड बट सॉफ्ट, तीसरा दिया गया है इट हैज ट्रैकरी एलिमेंट फिल्ड विद टैनिंस रेजिन्स गम्स ऑयल्स, चौथा दिया गया है इट इज ए पेरिफेरल पार्ट, और पांचवा दिया गया है सेंसिटिव टू माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स हैंस लीस्ट ड्यूरेबल। ऑप्शन दिए गए हैं वन एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और थर्ड एंड फोर्थ। तो जो आपका सही जवाब है 20 का वो है फर्स्ट और थर्ड, बिल्कुल सही है। जो ड्यूरामेन है, जो हार्डवुड है, यहाँ पर वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन ये नहीं करते हैं, इट डज नॉट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। और थर्ड है इट हैज़ ट्रैकरी एलिमेंट्स फिल्ड विद टैनिंस रेजिन गम्स ऑयल्स, ये भी नहीं होते, तो इसलिए सॉरी ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आपका फर्स्ट और थर्ड क्या है यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 है इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग साइटोस्केलेटन माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोरोप्लास्ट। इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग, तो उनके अंदर क्या होता है, तो इसलिए जो आपका जो सही जवाब है वो है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनका गार्ड सेल्स क्या है एपिडर्मल सेल्स से क्या होता है डिफर करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की कंसेंट्रेशन क्या होती है कम और ज़्यादा होती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 अगर देखें यहाँ पर आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें बिल्कुल सही है। पहला दिया गया है यहाँ पर अनइवन थिकनिंग ऑफ सेल वॉल इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, दूसरा दिया गया है यहाँ पर पेरिबलम फॉर्म्स कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट, थर्ड दिया है ट्रैकेट्स आर द चीफ वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, चौथा दिया गया कंपेनियन सेल इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, और पांचवा दिया गया था कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम क्यूरिकस श्यूबर। ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड और फिफ्थ, बिल्कुल सही आपको इसका जवाब देना है। तो 22 का जो सही जवाब है वो क्या है सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ। पेरिबलम क्या करता है कॉर्टेक्स फॉर्म करते हैं स्टेम और रूट में, और वहीं ट्रैकेट्स क्या है चीफ वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में, और क्या है द कमर्शियल जो कॉर्क है वो हमें क्यूरिकस श्यूबर से क्या होती है प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है इन एंडार्ज कंडीशन ऑफ जाइलम प्रोटोजाइलम लाइज ब्लैंक ऑफ मेटाजाइलम। इन एंडार्ज कंडीशन ऑफ जाइलम प्रोटोजाइलम लाइज ब्लैंक ऑफ द मेटाजाइलम ऑन इनर साइड आउटर साइड बोथ ऑन इनर एंड आउटर साइड इन सेंट मेटाजाइलम से समझ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका सही जवाब क्या होगा इनर साइड। इनर साइड क्यों होगा, बोथ ऑन पोजिशन ऑफ प्रोटोजाइलम इन रिलेशन टू मेटाजाइलम द जाइलम मे बी एक्जार्क या फिर सेंट्रिपिटल, एंडार्क सेंट्रीफ्यूगल मेजार्क एंड सेंट्रार्क। तो एंडार्क कंडीशन के अंदर प्रोटोजाइलम क्या होता है लाइज ऑन द इनर साइड ऑफ द मेटाजाइलम, तो डाइकोट और मोनोकोट स्टेम के अंदर देखने को मिलता है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, वाई शेप अरेंजमेंट ऑफ जाइलम वेसल इज फाउंड इन। वाई शेप की अरेंजमेंट की जाइलम वेसल किसके अंदर पाई जाती है, मोनोकॉट स्टेम डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट रूट या डाइकॉट रूट, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है। तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर क्या है वाई शेप की अरेंजमेंट मिलेगी आपको जाइलम वेसल्स की। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है, स्टडी केयरफुली द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको बताना है इनमें से कौन सी गलत है। पहला है लेटरल रूट्स डेवलप फ्रॉम पेरिसाइकल, सेकंड है एंडोडर्मिस
इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। थर्ड दिया गया है सैप वुड इज द सेंट्रल डार्क कलर्ड नॉन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। ऑप्शन हैं आपके सामने, तो 25th का जो सही जवाब है वो क्या है, थर्ड। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, कह रहे सैपवुड इज द सेंट्रल डार्क कलर्ड नॉन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि हर्ट वुड अगर ड्यूरामेन की बात करें तो ये क्या है, सेंट्रल वुड कहलाती है ओल्ड स्टेम की, ये डार्क कलर की होती है, लिविंग सेल क्या होती हैं इसमें एबसेंट होती हैं। हर्ट वुड का जो पार्ट है वो सेकेंडरी जाइलम कहलाता है। तो ट्रैकरी जो एलिमेंट्स है प्लग्ड बाय टाइलोजिस, ट्रैकरी एलिमेंट्स हैव डिपोजिशन ऑफ टैनिन, रेजिन, गम्स, ये प्रेजेंट होते हैं। हार्ड वुड क्या होती है, हैवियर होती है, इज मोर ड्यूरेबल ड्यू टू द लाइट सॉरी लिटिल सस्पेक्टेबल टू द अटैक ऑफ द पैथोजन एंड इंसेक्ट्स। हार्ड वुड इज मैकेनिकल इन फंक्शन, द आउटर और पेरिफेरल पोजिशन पोर्शन ऑफ द ट्रंक इज लाइटर इन कलर एंड सॉफ्ट विच परफॉर्म ए फंक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड इट इज नॉन एज सैप वुड, या हम इसको एल्बोर्नम के नाम से जानते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 अगर देख पा रहे हैं आप, तो रिमूव्ड पार्ट्स ऑफ ग्रासेस बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स आर रीजनरेटेड फास्ट बाय, जो रिमूव्ड पार्ट ऑफ ग्रासेस बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स मतलब घास को खाने के बाद वो फिर दोबारा से तेजी से रीजनरेट करती है, तो कहाँ से, बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम्स ओनली, सेकेंडरी मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम को हमने क्यों सही कहा है, क्योंकि इंटरकैलेटेड बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज इट हेल्प इन द रीजनरेशन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर अर्ली वुड इज करेक्ट, जाइलरी एलिमेंट्स हैविंग नैरो वेसल्स, डार्कर विद हैवी डेंसिटी, लाइटर इन कलर एंड हैज हाई डेंसिटी हैविंग वेसल्स विद अ वाइडर कैविटीज। आपको बताना है कि अर्ली वुड के लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 27 का जो सही आंसर है वो क्या है, डी है, हैविंग वेसल्स विद ए वाइड कैविटीज, क्योंकि स्प्रिंग वुड होती हैं ये, अर्ली वुड कहलाती हैं, ठीक है भाई, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, चूज करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन एंड पोजीशन ऑफ मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेशन ऑफ पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। ओरिजिन आपके सामने है, सेकेंडरी पोजीशन लेटरल दिया गया है, प्राइमरी का एपिकल, सेकेंडरी का एपिकल, प्राइमरी इंटरकैलेटेड, इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से जो बिल्कुल सही है सूथ एपिकल मेरिस्टेम। तो 28 का यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही जवाब है वो क्या है, ए ऑप्शन है, ओरिजिन सेकेंडरी है, पोजीशन क्या है, लेटरल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कंपेनियन सेल्स आर थिन पेरेन्काइमेटस ई न्यूक्लिएटेड सेल्स, थिक स्क्लेरेन्काइमेटस न्यूक्लिएटेड सेल्स, थिन पेरेन्काइमेटस न्यूक्लिएटेड सेल्स, थिक कोलेन्काइमेटस ई न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स क्या हैं, तो कंपेनियन सेल्स का जो सही जवाब है यहाँ पर वो है, ये होती हैं थिन पेरेन्काइमेटस और न्यूक्लिएटेड क्या होती हैं सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कंपेनियन सेल्स कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ द सीव ट्यूब्स, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 30, कौन जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन, कौन जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन, रूट स्टेम, रूट लीव्स, स्टेम लीव्स या रूट ओनली। तो यह कौन जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं, स्टेम और लीव्स के बीच में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31st क्वेश्चन आपके सामने है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज कंट्रोल्ड बाय, कैम्बियम की एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा, हार्मोनल और एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा या मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो 31 का जो आंसर है वो है डी, क्या है बच्चों, डी, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की यहाँ पर क्या होती है, ज़रूरत होती है। इंटरनल क्या है, फिजियोलॉजिकल,
और एक्सटर्नल क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए और सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो मैंने यहाँ दिया ना मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं 32nd क्वेश्चन की तरफ। 32 क्वेश्चन क्या है, एपिडर्मल एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आर मेड ऑफ। एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किसके बने होते हैं, मेरिस्टम एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो 32nd का जो सही जवाब है वो क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। द एपिडर्मल एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आर मेड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 33rd या 33 कह लीजिए आपके सामने है। रूट रीजन्स विद थिन वॉल्ड स्मॉल सेल्स हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म इज, रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, मैचुरेशन रीजन, प्रॉक्सिमल टू सेल इलोंगेशन जोन, डिस्टल टू सेल इलोंगेशन जोन। तो 33 का जो सही जवाब है वो है डी, डिस्टल टू सेल इलोंगेशन जोन, जहां पर मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं उसको। तो रूट रीजन विद अ थिन वॉल्ड स्मॉल सेल्स हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म, तो डिस्टल टू सेल इलोंगेशन जोन, मतलब डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पर, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। पेरिड्रम इंक्लूड्स कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ओनली कॉर्क कैम्बियम, या फिर कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क ओनली, या फिर कॉर्क फिलोजन एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो 34th का जो आंसर है वो क्या है यहाँ पर, बी, पेरिड्रम इंक्लूड्स ओनली कॉर्क कैम्बियम, क्योंकि थिकनिंग ऑफ वॉल इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टीन, तो ये कॉर्क कैम्बियम कहलाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। इन स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सी गलत है। पहला है यहाँ पर इंडाइकोट स्टेम द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। दूसरा पॉइंट दिया गया है एंडोडर्मिस विद कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इज फाउंड इन द डाइकोट स्टेम। तीसरा दिया गया है इंडाइकोट स्टेम द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन। ऑप्शन आपके सामने ही है। 35th का जो सही जवाब है वो क्या है, बी, सेकेंड और थर्ड जो ऑप्शन है वो गलत है। 35th का बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर, गलत है। एंडोडर्मिस विद कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन ए डाइकॉट स्टेम। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर नजर आएगा 36। द सेल्स विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट रूट आर, द सेल्स विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट रूट आर पिथरीज, कंजक्टिव टिश्यू, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो 36 का सही जवाब क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, विच टिश्यू ऑफ द डाइकॉट रूट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। विच टिश्यू ऑफ द डाइकॉट रूट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, पेरिसाइकल पार्ट अबव प्राइमरी फ्लोएम, वॉल पेरिसाइकल, थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ पिथ, पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल अबव द प्रोटोजाइलम। तो 37 का जो सही जवाब है वो क्या है, डी है। तो डाइकॉट रूट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, तो 37 का डी है, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड एट द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल, तो पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल अबव द प्रोटोजाइलम। क्वेश्चन नंबर 38, वेस्कुलर बंडल इन डाइकोट लीव्स आर कॉन्जॉइंट, बाइकोलेटरल, क्लोज्ड, रेडिया ओपन, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड या कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन। तो वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट लीव्स कैसी होती हैं, तो उसका सही जवाब क्या है 38 का, वो कॉन्जॉइंट होती हैं, कोलेटरल होती हैं और क्लोज्ड होती हैं, नज़दीक नज़दीक होती हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फंक्शंस ऑफ वेन्स इन द लीव्स। कौन सा फंक्शन वेन से बिलोंग करता है लीव्स के अंदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 39 का जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज, सभी के लिए क्या है,
ये काम करते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 40। इन कसकटा द नोड्स गिव राइज टू स्पेशल रूट्स विच पेनिट्रेट द होस्ट टिश्यू अप टू कॉर्टेक्स, फ्लोएम, एपिडर्मिस या पेरिसाइकल। तो कसकटा में जो नोड्स हैं तो स्पेशल रूट्स क्या करते हैं, देते हैं, पेनिट्रेट करते हैं होस्ट टिश्यू के अंदर, तो उसका नाम क्या है? 40 का जो आपका सही जवाब है वो क्या है? बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, फ्लोएम। कसकटा इज ए टोटल पैरासाइट सो इट एब्जॉर्ब द प्रीपेयर्ड फूड फ्रॉम द फ्लोएम ऑफ द होस्ट, हैंस होस्टोरिया रीचेज अप टू द फ्लोएम ऑफ होस्ट। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। ए टाइसोल इज फॉर्म्ड फॉर्म रे पैरेन्काइमा, इनर पैरेन्काइमा, पैराट्रैकियल पैरेन्काइमा या मेटा ट्रैकियल पैरेन्काइमा। तो ए टाइसोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो 41 का जो सही जवाब है 41 का वो है सी ऑप्शन, पैराट्रैकियल पैरेन्काइमा। क्यों है? टाइसोल क्या है? एक प्रकार का बैलून है। आउटग्रोथ ऑफ पैराट्रैकियल पैरेन्काइमा इनटू ए पिट इन द वॉल ऑफ ए वेसल, या हम ट्रैकेट कह सकते हैं, एंड ए जाइलम पैरेन्काइमा सेल लाइंग नेक्स्ट टू इट। जाइलम पैरेन्काइमा अकर्स एट द एज ऑफ एनुअल रिंग अराउंड द वेसल्स। सो दैट्स व्हाई द सी ऑप्शन इज योर करेक्ट। फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज मल्टीपल एपिडर्मिस। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, क्रोटन, एलियम, नेरियम या क्यूकुरबिटा। तो 42 का जो सही जवाब है वो क्या है? नेरियम। 42 का नेरियम। एपिडर्मिस इज जनरली यूनिसेरेट कंपोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल, इन सम केसेज इट इज मल्टी लेयर्ड ऑल्सो, फिकस, नेरियम और पेपीरोमिया इसके अंदर देखने को मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इन द मोनोकॉट रूट वी ऑब्जर्व सबमर्ज्ड एक्सोडर्मिस पॉलीआर्क जाइलम पिथ, एक्सोडर्मिस एंडार्क टेटार्क क्लोज्ड बंडल्स, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल ओपन पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल, सबमर्ज्ड एक्सोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप, पैसेज सेल्स और कैम्बियम। तो 43 का जो सही जवाब है वो क्या है? ए है, सुबिराइज एक्सोडर्मिस पॉलीआर्क जाइलम और पिथ, ये मोनोकोट रूट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। इन ए डाइकोटिलीडॉन स्टेम द सीक्वेंस ऑफ टिश्यूज फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड। डाइकोटिलीडॉन स्टेम की अगर बात करें तो टिश्यू की सीक्वेंस आपको बतानी है आउटसाइड टू इनसाइड। फिलम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, फिलम, फ्लोएम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फिलम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, पेरिसाइकल, फिलम, एंडोडर्मिस, फ्लोएम। तो 44 का जो सही जवाब है वो क्या है? सी है, फिलम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और देन फ्लोएम। फिलम इज ए सुबिराइज सेल्स फ्रॉम आउटसाइड द रीजन ऑफ ए स्टेम फॉलोड बाई एंडोडर्मिस इनसाइड द फ्लोएम। पेरिसाइकल लाइज इमीडिएटली इनसाइड द एंडोडर्मिस ऑफ द डाइकोटिलीडोनस स्टेम फ्लोएम। फ्लोएम इन कैटेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ए सीव ट्यूब्स। ठीक है भाई, तो इसलिए फ्लोएम क्या हो जाएगा? लास्ट में आ जाएगा। अब आरी आती है क्वेश्चन नंबर 45 की, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द टूनिका कॉर्पस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय, टूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दी थी? नेगली ने, हेंस्टीन ने, स्किमेट ने या हैवरलैंड ने? तो 45 का जो सही जवाब है वो क्या है? द टूनिका कॉर्पस थ्योरी इज गिवन बाय स्किमेट। ये टूनिका कॉर्पस थ्योरी वॉज प्रपोज बाय स्किमेट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी टू टिश्यू जोन्स अकर एट द एपेक्स। तो दो टिश्यू जोन क्या होते हैं? एपेक्स में प्रेजेंट होते हैं, ये बात उन्होंने बताई थी। चलिए अब आपको मैं बता दूं कि जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं ये आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। ये केवीएस के पेपर में, एनवीएस के पेपर में, नीट के पेपर में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं केवीएस टीजीटी, केवीएस पीजीटी, एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी की, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रेगुलर ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। जाते हुए बस इतना कहना चाहेंगे कि अच्छे से तैयारी करें और पूरे नंबर प्राप्त कर पाएँ, यही हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।